नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी खरीदने की क्षमता रखने वाले लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। रामनवमी का पर्व आज पूरे द्वीप समूह में मनाया जा रहा है। पृथ्वी तल दिवस के अवसर पर आज रात एक घंटे के लिए लोगों से रोशनी बंद रखने की अपील की गई है। कोटगर के जीबी पंत अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मां और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई और कोलकाता से आ रहे जहाज एमजी निकोबार के आज शाम पोर्टगर पहुंचने की संभावना है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि जो लोग बाजार दर पर घरेलू गैस खरीद सकते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2,80,000 से अधिक उपभोक्ता रसोई गैस सब्सिडी लेना बंद कर चुके हैं, इससे सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग सबसे अधिक निर्धन लोगों के लिए किया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में कहा कि अगले 4 वर्ष में 1 करोड़ परिवारों को पाइपलाइनों से गैस मुहैया कराई जाएगी। रामनवमी का पर्व आज पूरे द्वीप समूह में हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। नवरात्र का व्रत धारण कर माँ दुर्गा की आराधना में जुटे श्रद्धालु आज विशेष पूजा अर्चना के साथ रामनवमी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मंदिरों के अलावा लोगों के घरों में पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से अखंड रामायण पाठ का आयोजन शुरू किया गया है। इसका समापन आज सवेरे 9 बजे होगा। दिन में 2 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। चिन्मय मिशन पोर्टगर में पूजा कार्यक्रम सुबह 10 बजे आरंभ होगा। दोपहर 12 बजे प्रसाद वितरण होगा। श्री सीताराम मंदिर कमेटी की ओर से पूजा कार्यक्रम सुबह 9 बजे आरंभ होगा और दोपहर 12 बजे अन्नदानम में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री शिरडी साई बाबा भक्त मंडली चक्करगांव की ओर से गणपति हवन कल सवेरे 9:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। अबड़ीन बाजार स्थित भगवान राम मंदिर में आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक विशेष पूजा अर्चना आयोजित होगा। रामनवमी के अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम पोर्टगर की ओर से आज जंगलीघाट स्कूल मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम शाम 5 बजे आरंभ होगा। सम्मेलन से पहले 3 बजे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उधर आज पतंजलि योग समिति रामनवमी के अवसर पर स्वामी रामदेव का संन्यास दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में अनेक स्थानों पर सामूहिक योग, गुरु दक्षिणा और पर्यावरण शुद्धिकरण यज्ञ के आयोजन किए जाएंगे। रामनवमी के अवसर पर सांसद विष्णुपद रे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विशाल जौली और प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने दीपवासियों को शुभकामनाएं दी है। पोर्टगर के जीबी पंत अस्पताल में कल दिन में एक महिला की मृत्यु के बाद परिजनों के हंगामे के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद की एक गर्भवती महिला आर राजेश्वरी ने ऑपरेशन के माध्यम से एक बालक को जन्म दिया था। ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ गई, साथ ही अस्वस्थ होने के कारण शिशु की मृत्यु हो गई। महिला ने कल दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से ये घटना घटी है। उधर स्वास्थ्य सेवा की प्रभारी निदेशक डॉक्टर एसपी वर्मा ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए 4 डॉक्टरों की टीम द्वारा कल पोस्टमार्टम कराया गया। महिला के कुछ अंगों को आगे की फोरेंसिक जांच के लिए अब मुख्य भूमि भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का सही पता लग पाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्टल से सुन रहे हैं।